ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2019 ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ अपने आप नूं इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं या कांग्रेस के होर पुराने आगू जिन्हां नूं कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि अपने नाल रख्या जाए मुख्यमंत्री चन्नी की यह कोशिश है कि अपने नाल रख्या जाए इस करके महिंदर सिंह केपी नूं अज कैबिनेट रैंक के नाल नवाजिया गया है अज एक मोहाली दे विच एक समागम दे विच सीएम चन्नी वालों वार वार साबका मंत्री बलबीर सिद्धू का नाम लिया गया वार वार उन्हां वालों कहा गया कि बलबीर सिद्धू ही समझ लो मुख्यमंत्री ने जो कहे वो सब कुछ उन्होंने कहने पर होएगा यानी एक तरीके की कवायद है उन्होंने सारे पुराने आगुओं लैके चलन की और यह भी कहा गया सीएम चन्नी वालों के बलबीर सिद्धू ने भी बहुत जल्द पार्टी वालों कोई वड्डा अहुदा दिता जाएगा सो महिंदर केपी पार्टी के पुराने सीनियर आगू ने प्रधान रह चुके हैं उन्होंने अज कैबिनेट रैंक के नाल नवाजा गया है तो संयुक्त किसान मोर्चे ने अज एक वड्डा ऐलान किया है कि संसद भवन वल हुण ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा 29 नवंबर तो रोजाना के आधार पर 500 किसानों का जत्था संसद वल रवाना होएगा ट्रैक्टर मार्च के रूप में संसद वल रवाना होएगा 29 नवंबर तो क्योंकि संसद का सर्द रुत इजलास शुरू हो रहा है इस करके किसानों वालों 29 नवंबर की तरीक रखी गई है 26 नवंबर को दिल्ली किसान अंदोलन एक साल पूरा हो जाना सो संयुक्त किसान मोर्चे की अजे मीटिंग हुई सी इस मीटिंग से फैसला लिया गया और इस मौके पर यह कहा गया कि सिंघू तो टिकरी बॉर्डर तो दोनों थावां तो 500 किसानों का जत्था जोड़ा है 500 किसानों का जत्था जोड़ा है वह ट्रैक्टर मार्च के रूप के संसद वाल कूच करेगा नवंबर को ध्यान में रखते हुए वो ये फैसला हुआ है कि 26 नवंबर को हम यहाँ पे मतलब संख्या बढ़ाएंगे आंदोलन को बढ़ाएंगे और उसके बाद 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा उस दिन हमारा ये प्रोग्राम है कि 500 के जत्थे जो जो इन्होंने मतलब मोर्चे खोले गए हैं जहाँ जहाँ से इन्होंने बैरिकेड हटाए हैं उस रास्ते से हम पार्लियामेंट की ओर मतलब जाएंगे सिंघू बॉर्डर से नहीं जा पाएगा नहीं सिंघू बॉर्डर से अभी तक उन्होंने रास्ता नहीं खोला तो जहाँ जहाँ पे मतलब फैसला ये हुआ कि जहाँ से मतलब उन्होंने रास्ता खोला गया इसमें गाजीपुर टिकरी हाँ गाजीपुर टिकरी उधर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दौरान गुरु राम सिंह चढ़ूनी ग्रुप वालों बगावत कर दी गई चढ़ूनी के समर्थकों ने 26 नवंबर को ही दिल्ली कूच करन की गल कही पर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग 26 नवंबर के कूच से सहमति नहीं बन सकी जिस तो बाद चढ़ूनी समेत उन्होंने समर्थकों ने मीटिंग का बाइकआउट कर दिता तो मीटिंग चो बाहर आ के नारेबाजी कर लगे चढ़ूनी समर्थक 26 नवंबर के कूच से ही अड़िग ने ऐलान किया है कि वह 26 नवंबर को ही दिल्ली कूच करेंगे जबकि संयुक्त किसान मोर्चे ने 29 नवंबर को संसद वाल कूच करने का फैसला लिया बच्चों की तरह का खेल नहीं चलेगा हमारा नेता हमारे आगे होगा और 26 नवंबर को दिल्ली कूच होगा हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे जाएंगे जाएंगे अभी मीटिंग में क्या क्या जाएंगे मीटिंग का हमें कुछ नहीं 12 महीने चल रही मीटिंग सरकार के लिए चली 7 महीने के वार्ता सरकार के लिए टूट रही संयुक्त किसान मोर्चा भी गोल मोल करके अपने घरों चले जा पर ने किसान पागल लिया अपने जाकत मरवा दिए अपनी फसल खराब करवा दिए अपने घर बर्बाद कर दिए हमने साढ़े 700 ज्यादा नंबर की ये बहुत ज्यादा सही निकलेंगे तो लखीमपुर कांड नाल जुड़ी एक वड्डी खबर है हथियारां नाल जुड़ी एफ एस एल रिपोर्ट दे विच एक खुलासा होया कि लखीमपुर हिंसा दौरान जो गोली चली सी वो मंत्री दे बेटे आशीष मिश्रा की राइफल चो ही चलाई गई सी फिलहाल किसी नूं गोली लगन की पुष्टि नहीं हुई पर यह कन्फर्म हो गया कि गोली आशीष मिश्रा की राइफल चो ही चली सी 3 अक्तूबर को लखीमपुर च हिंसा हुई सी उधर संयुक्त किसान मोर्चे ने इस रिपोर्ट के हवाले नाल एक बयान जारी किया है मंडियां बंद करने के फैसले ते मंत्री भारत भूषण आशू का एक बयान आया है कि सिर्फ छोटियां मंडियां बंद कीतियां गईयां ने
उन्होंने कहा है कि झोने का एक एक दाना सरकार वालों खरीदया जाएगा और सारिया मंडियां बंद करने की जी गल है वह गलत है, सिर्फ छोटिया मंडियां बंद किया गया। ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 173 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੋ ਗਈ 95% ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਟਡ ਹੈ।